नमस्कार दोस्तों, टेक्वेल सीटू चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा था थंबनेल में कि जो सीरीज बल्ब है वो बात 20 रुपए में तैयार हो जाएगा, तो कैसे तैयार होगा वो देखिए आप। एक हमको होल्डर लेना है, एक प्लग लेना है और एक तार लेना है, जो कि आपका 20 रुपए में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले सीरीज बल्ब बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक होल्डर में दो तार लगा देने हैं। तो होल्डर में जैसे तार लगाते हैं, दोनों नखों में एक एक तार लगाना है, तो वैसे ही तार लगा देंगे तो आपका एक प्लग जिसमें तार लग चुके हैं वो आपका एक प्लग तैयार हो जाएगा तार वाला। इसके बाद होल्डर को लगाना है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा, और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं इसलिए आपके पास वीडियो पहुँचते रहेंगे। तो हमने एक प्लग तैयार कर लिया है, प्लग में दोनों तार हमने जैसे लगाते हैं दोस्तों वैसे ही हमने दोनों तार लगा लिए हैं। सीरीज बल्ब बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप सीरीज बल्ब बना सकेंगे। और सीरीज बल्ब से बहुत सारे फायदे होते हैं, किसी भी चीज़ को आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, इसलिए सीरीज बल्ब बनाया जाता है। और सीरीज बल्ब से आप कोई भी प्रेस या कोई पंखा या और भी जो उपकरण है वो आप चेक कर सकते हैं, करंट आ रहा है या नहीं, करंट भी चेक कर सकते हैं, किसी उपकरण में करंट चेक कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको चेक कर सकते हैं। ये हमने एक साइड लगा दिया है टेप, जिससे ये पता चलेगा कि इधर फेस है कि उधर अर्थ है। तो ये हम जब बोर्ड में लगाएंगे तो वहाँ पर फेस और अर्थ का पता चलेगा, इसलिए हमने एक साइड प्लग टेप लगा दिया है प्लग पे। अब हमें होल्डर से जो प्लग से दो तार आए हैं उनमें से एक तार हमने इस होल्डर में लगा देना है। दोनों तार इस होल्डर में नहीं लगेंगे प्लग के, प्लग का सिर्फ एक तार इस होल्डर में लगेगा, और एक तार प्लग का खाली रहेगा, एक तार इस होल्डर का खाली रहेगा। दोस्तों, सीरीज बल्ब से क्या होता है, पंखा भी चेक हो सकता है, या किसी उपकरण में अगर करंट आ रहा है, छूने से करंट लग रहा है, तो वो भी आपका सीरीज बल्ब से चेक हो जाता है। और सीरीज बल्ब से आपकी कोई भी लाइन फॉल्ट हो रही है तो वहाँ से वो चीज़ चेक हो जाती है। और अगर आपकी प्रेस में करंट आ रहा है, प्रेस सही करना, वो भी सीरीज बल्ब से चेक होता है। यानी अगर कोई भी उपकरण आपको चेक करना है तो वो सीरीज बल्ब से चेक होता है। किसी भी इलेक्ट्रीशियन के पास सीरीज बल्ब जरूर होता है, अगर मीटर नहीं लाया होगा तो सीरीज बल्ब से काम करेगा। तो ये सीरीज बल्ब बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक उपकरण में डीसी चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो ये सीरीज बल्ब काम करता है। ये इलेक्ट्रिक का होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। इसमें हमने होल्डर में दूसरा तार भी हमने लगा लिया है, जो कि कहीं पर लगा नहीं है, सिर्फ फ्री है। एक तार तो जो प्लग से निकला था वो होल्डर में लगा है, और एक तार हमने ऐसे ही होल्डर में लगा दिया है। अब देखिए, एक प्लग से तो तार आया वो फ्री है, और एक होल्डर से तार निकला वो फ्री है। हमारा सीरीज बल्ब बनके तैयार हो गया है। सीरीज बल्ब का काम यह है कि एप्लीकेशन ये है कि किसी भी उपकरण से ये बल्ब सीरीज में है, मतलब उपकरण में अगर करंट जाएगा तो बल्ब से होता हुआ करंट जाएगा। तो ये सीरीज बल्ब का काम होता है, यानी जो बल्ब है वो हमारा सीरीज में लगाया गया है। तो बस यही हमारा सीरीज बल्ब तैयार हो गया है। अब देखिए, बोर्ड लगाकर हम चेक करते हैं। बोर्ड में हमने प्लग लगा लिया है, ये हमारा इस साइड फेस है ब्लैक वाले तार पे, और देखिए हमारे पास दो तार हो गए हैं, एक ब्लैक एंड एक रेड, एक ब्लैक है एक रेड है। इन दोनों को जब टच करेंगे इस पे हमारा फेस आ रहा है, रेड तार जिसमें लगा रहे हैं ये हमारा फेस का है, मतलब इसको हमें नहीं छूना है। अब इसको जैसे ही टच करेंगे वैसे ही बल्ब जलने लगेगा, यानी हमारा सीरीज बल्ब तैयार है। सीरीज बल्ब हमारा ओके हो गया है। अब इससे कोई भी उपकरण आप चेक कर सकते हैं, अगर उपकरण सही होगा तो दोनों पे तार लगाने पर हमारा बल्ब जलने लगेगा, यानी हमारा उपकरण सट